हेलो दोस्तों दोस्तों मेरा एक फ्रेंड आया आज मेरे पास कि मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस हो गया। मैं आज से बाद स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मैंने उसको बताया, दोस्त क्लियर बता क्या बात हुई। उसने बोला मैंने टाटा पावर में, डीमार्ट में और जिंदल स्टील में पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। मैं कितना आने का काफी पैसा किया था, मगर लॉस कितने का हो रहा है अभी। वो बोला मैंने टाटा पावर में 20,000 का लॉस हो रहा है, डीमार्ट में 10,000 का और जिंदल स्टील में 5,000 का लॉस हो रहा है। मैं कितना दिन हुआ है इन्वेस्टमेंट किए। वो बोला कि मैंने इन्वेस्टमेंट किए सिर्फ 15 दिन हुए हैं। मैं 15 दिन में आपने क्या है, ये कोई लॉस होता है? ये तो कंपनियां ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो दोस्तों मैंने उससे पूछा आपने कितने दिन के लिए स्टॉक मार्केट में कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, कि 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। तो अभी क्यों घबरा रहे हैं, 2 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न देगी ये कंपनी आपको, क्योंकि तीनों कंपनियां बहुत अच्छी थी। पर वही हमारे साथ होता है दोस्तों, जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 से 15 दिनों में अगर वो कंपनी हमें रेड दिखा देती है या लॉस दिखाती है, हम घबरा जाते हैं, हमारे पास पेशेंस नहीं रह पाता। तो ऐसे आपने नहीं करना है दोस्तों। अगर किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छी कंपनी में, तो लॉन्ग टाइम के लिए बने रहिए, आपको पक्का रिटर्न मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, सोचेंगे मेरा तो घाटा पड़ रहा है, मेरे जो 20,000 में घाटा पड़ रहा है, 10,000 में, और आप निकलने की करेंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है स्टॉक मार्केट में आने से। आप स्टॉक मार्केट से दूरी रहें तभी अच्छा है दोस्तों। अगर इस तरीके से आप पेशेंस लेके चलेंगे तो अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा स्टॉक मार्केट में। उसके बाद दोस्तों आज हम कंपनी का एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसने पिछले सालों में क्या किया पूरा एनालाइज, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाएगा दोस्तों। ये जो कंपनी है हमारे देश में, देखो इसका बिजनेस कभी खत्म होने वाला नहीं है इस कंपनी का। ऐसी कंपनी है दोस्तों, हमारा देश है बहुत बड़ा देश है, जो इसका बिजनेस है फुटवायर का, इसका बिजनेस है जो दोस्तों, जैसे ये सैंडल हो गया, जूते हो गए, शूज हो गए, या रबड़ के सैंडल हो गए, या फिर चप्पल हो गए, या खेल के जूते हो गए, इसका ये बिजनेस करती है कंपनी, जो दोस्तों कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवायर लिमिटेड। दोस्तों जो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1976 में, कंपनी की शुरुआत हुई थी, बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों। दोस्तों देखो इसका जो बिजनेस है बहुत अच्छा है, सैंडल जूते का चप्पल का ये बिजनेस है इसका, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा चलता है ये बिजनेस दोस्तों। उसके बाद जिसके मेन ब्रांड है, देखो इसके जो ब्रांड है, रिलैक्सो का ब्रांड हो गया, फ्लाइट इसका ब्रांड हो गया, और ब्रह्मास्त्र इसका ब्रांड है कंपनी का। ये दोस्तों इसका ब्रांड हो गया, जो कंपनी के पास विनिर्माण सुविधाएं, देखिए दोस्तों हम कंपनी के पास 8 कंपनियां हैं जहां से अपना प्रोडक्ट ये पूरा बनाती है दोस्तों। जो हरियाणा में 5 प्लांट है इसके, राजस्थान में 2 प्लांट है, और एक हरिद्वार में इसका प्लांट है दोस्तों। जो दोस्तों इसके पास एक दिन के अंदर अंदर ये 10 लाख शूज सैंडल ये पूरे बनाती है, 10 लाख एक दिन के अंदर अंदर दोस्तों, देखो इतनी है कैपेसिटी, इतने जोड़े बनाती है कंपनी, ये अच्छा है कंपनी के लिए। उसके जो इसका नेटवर्क है दोस्तों कंपनी का, इसके पास डिस्ट्रीब्यूटर है 60,000, इसके पास डिस्ट्रीब्यूटर है प्लस रिटेलर 650, और जिसके बड़े ब्रांड है 394 इसके ब्रांड है, अपने खुद के ब्रांड है दोस्तों। और जो कंपनी के पास 30 देशों में कंपनी अपना निर्यात करती है, देखो बहुत अच्छी है कंपनी, अच्छी कंट्री में निर्यात करती है, 30 देश बहुत होते हैं दोस्तों निर्यात करने के लिए। और जो इसका एक दुबई में कार्यालय भी है कंपनी का, और जो इसको ज्यादा इनकम जो होती है उत्तर भारत से कंपनी को 50% की इनकम जनरेट होती है दोस्तों कंपनी को, देखो ये भी अच्छा है। जो दोस्तों आना है, देखो कंपनी ने एक और अच्छा कर लिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ज्यादा बढ़ा रही है कंपनी, जैसे अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कंपनी, वहां पर बहुत फोकस करेगी, ज्यादा ज्यादा ऑनलाइन अपना सैंडल जूता सब कुछ बेचें। जो दोस्त इसके जो ब्रांड है मास्टर है दोस्तों, सलमान खान, अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और कैटरीना कैफ इसके ब्रांड है मास्टर है दोस्तों। ये तो दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल हो गया है। जिसकी हम फाइनेंस डिटेल देखिए कंपनी की, मार्केट कैप्चर 22,416 करोड़ का मार्केट कैप्चर है कंपनी का, और जो स्टॉक पे है 145, जो बुक 45, जो आरओसी है 11.6, जो आरओई है 8.55, जो दोस्तों डिविडेंड 0.28 का डिविडेंड दे रही है कंपनी, जो फेस वैल्यू है एक आरओसी आरओई थोड़ा कम रही है कंपनी की, जो हम फिर भी सेल एंड ग्रोथ देगी कंपनी की 10 साल में 11%, 5 साल में 7% और 3 साल में 5% से कंपनी की
सेल में ग्रोथ रही है। जो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए हम 10 साल में 13%, 5 साल में -1%, 3 साल में -12% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ लॉस में चल रहा है कंपनी का, जो पिछले 3 साल से देखिए हम, जो हम CGR देखिए कंपनी का, पिछले 10 साल में 40%, 5 साल में 21% और 3 साल में 14% से कंपनी का CGR बढ़ा है। दोस्तों CGR ठीक बढ़ रहा है कंपनी का। और जो कंपनी के पास पैसा कितना है, 1830 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है दोस्तों। और जो बोरिंग है 164 करोड़ का बोरिंग है, बोरिंग बिल्कुल कम है दोस्तों। और जो हम क्वार्टर रिजल्ट देखे कंपनी का दिसंबर और मार्च का, दिसंबर में 881 करोड़ की सेल हुई थी, वही मार्च में 765 करोड़ की सेल हुई है कंपनी की। जो नेट प्रॉफिट देखे हम 30 करोड़ था दिसंबर का, वही मार्च में 63 करोड़ हुआ है दोस्तों। नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ा है यहाँ पर। और जो हम 2021 2022 और 2023 का हम रिजल्ट देखे इसका साल का, 2021 में 2,359 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2022 में 2,653 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2023 में 2,783 करोड़ की सेल हुई है कंपनी की। दोस्तों यहां पर सेल तो दोस्तों बढ़ रही है साल की जो देखा जाए, वो जो हम नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों 292 था 2021 का, वही 200 रहा 2022 का, वही 2023 में 154 रहा नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का। जो देखा जाए दोस्तों यहाँ जो नेट प्रॉफिट देखे दोस्तों साल दर साल घट रहा है कंपनी का। जो हम प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों, एक प्लस पॉइंट ये है, होल्डिंग अच्छी कर रखी है कंपनी में। जो प्रमोटर की होल्डिंग रही दोस्तों 71% की रही है और 71 में बढ़ती जा रही है होल्डिंग, बार बार प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं कंपनी में। जो FL की रही है 2.82, ये घटी है दोस्तों होल्डिंग। और जो DL की होल्डिंग 7.96, ये बढ़ी है होल्डिंग दोस्तों। प्रमोटरों ने दोस्तों DL ने होल्डिंग बढ़ाई है और FL ने होल्डिंग घटाई है। और जो पब्लिक की होल्डिंग है 17.98 और पब्लिक ने होल्डिंग घटाई है दोस्तों। वही मैं बार बार बोलता हूं, या तो थोड़ा माइनस में चलाने लग जाता है स्टॉक, तब होल्डिंग पब्लिक घटाने लग जाती है। ये पता नहीं क्या सिस्टम है, पेशेंस नहीं रखती है आजकल, पता नहीं क्या बात है। जबकि हमें स्टॉक में 5 से 10 साल का पेशेंस रख के चलना चाहिए दोस्तों। शास्त्र पे जिसने 5 साल का रिटर्न दिया 154, जो 1 साल का रिटर्न दिया -11% दोस्तों। ये जो देखिए कंपनी बहुत जबरदस्त है, बिजनेस मॉडल भी बहुत जबरदस्त है, पर दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा माइनस में चल रहा है। पर फिर भी मैं यही बोलूंगा, इस स्टॉक में आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लेके चलो लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है। इस स्टॉक में आप 2 से 3% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए दोस्तों। स्टॉक बहुत कमजोर नहीं है, अच्छी कंपनी है दोस्तों। जो लॉन्ग टाइम के लिए चलना, ये नहीं है 2-3-4 दिन के लिए, आज से लेके 4-5 साल के लिए चलेंगे तो आपको पक्का रिटर्न देगा ये स्टॉक दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल पर सब्सक्राइब करें जाना दोस्तों। सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।